मुमरा पुलिस स्टेशन ने एक जगह रेड किया, रात को 30 करोड़ रुपया को वहां पर मिला। 2 करोड़ का इनका सेटल हुआ था। ये मुमरा वालों का ही पैसा है, हो सकता है इलेक्शन में भी पैसा यूज करने के लिए किसी ने भेजा हो गया। पुलिस ने पैसा पकड़ा, पुलिस ने निकाला और पुलिस ने रिटर्न किया पैसा। पहली बात तो पैसा देनी नहीं चाहिए था, पुलिस के हाथ में आया है, पुलिस ने दिया है, इस पे कार्रवाई हो और ये जनता को भी पता चले। 30 करोड़ आया और गया, किसने सेटल करवाई? एक महीने बाद कुछ पुलिसों को निकाल के नहीं चलेगा। महेश अहमदीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुमरा में 30 करोड़ के मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और रिदा रशीद ने इस पर जांच कराने की मांग करते हुए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक मांग की है। आपको बता दें कि मुमरा के बॉम्बे कॉलोनी में रहने वाले फैजल मेमन के घर से पुलिस ने छापेमारी कर करीब 30 करोड़ रुपया बरामद किया था, मगर रिदा रशीद ने इस पूरे मामले में सवाल खड़ा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आखिर ये 30 करोड़ किस व्यापारी का है और पुलिस ने अगर छापेमारी कर 30 करोड़ की रकम बरामद की थी और उसे पुलिस स्टेशन लेकर आई थी तो फिर इतनी बड़ी रकम पुलिस ने वापस क्यों किया? किसने इस पूरे मामले को सेटल किया? 2 करोड़ में मामला ये तय हुआ और फिर 6 करोड़ की लूट हुई। वहीं रिदा रशीद ने यह भी सवाल खड़ा किया है कि क्या 30 करोड़ मुमरा का है? अगर मुमरा का है तो किसका है, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है। क्या सिर्फ 10 पुलिस वालों को निलंबित करने से मामला सुलझ जाएगा? आखिर कहाँ है ये 30 करोड़ रुपए? इसकी जांच की मांग रिदा रशीद कर रही है। इस पूरे 30 करोड़ के मामले में पुलिस निरीक्षक गीताराम शेवाले, पुलिस उप निरीक्षक हर्षद काले, पुलिस उप निरीक्षक रवि मदने और पुलिस नायक पंकज गायकर, जगदीश गावित, दिलीप किरपन, प्रवीण कुंभार, अंकुश बैद, ललित महाजन, नीलेश सालुंखे निलंबित भी कर दिया गया है। मगर वहीं रिदा रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 30 करोड़ में से 6 करोड़ की लूट और बाकी के पैसे वापस करने पर सवाल खड़ा किया है और इसकी जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिदा रशीद ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। अगर शहर में बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ बैनर पे आ जाता है, बहुत कुछ आप लोग के जरिए हमें मालूम पड़ता है, लेकिन एक ऐसे विषय हुआ है जो लोगों तक पहुंचा नहीं है, तो मुझे लगा ये भी एक चीज़ पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है शहर में। मतलब अगर शहर बदलामी के लिए पहले होता है, बदलाम करने वाले कौन हैं और क्यों हैं, तो मैंने वो सोचा कि ये चीज़ मालूम होना चाहिए आप लोगों को, इसलिए आज मैंने आप लोगों को। देखिए, एक महीने पहले सुना था क्या मुमरा पुलिस स्टेशन ने एक जगह रेड किया रात को और उसमें से कुछ 30 करोड़ रुपया उनको वहाँ पर मिला। वो लाया गया पुलिस स्टेशन में और उसके बाद बहुत सारा मैसेज बाहर आया, कुछ सेटिंग हुआ, कुछ सेटल हुआ, कुछ 1, 35, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 6 करोड़, ऐसे बहुत सारे आंकड़े अपने सामने आए, लेकिन एग्जैक्टली किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ है। तो मुझे लगता है शहर में भी पता चलना चाहिए हुआ क्या है। मुमरा पुलिस स्टेशन में कोई खबर आई, उनको उन्होंने 30 करोड़ कहीं पे रेट डाल के, कोई व्यापारी है बॉम्बे कॉलोनी में रहता है, व्यापारी के पास काम करता है, देखो ये जो पुलिस के रिपोर्ट में है और जो हमने सुना है, व्यापारी के पास काम करता है, उस व्यापारी का पैसा बॉम्बे कॉलोनी में रहने वाला एक व्यक्ति जो मुंबई में काम करता है उसके पास रखने को दिया गया था मुंबई के व्यापारी ने। वो पैसा पुलिस लाती है, उसका वीडियो है आप लोग को, मैं आप लोग के पास होगा ही, मैं भी देती हूँ। वो पुलिस लाती है पुलिस स्टेशन में, उसके बाद वहाँ पर बहुत कुछ होता है, उसके बाद जो जो मैंने पहले भी बोला कि जो सेटल होता है ये होता है, उसके बाद वो पैसा वापस किया जाता है। कुछ दिनों पता चलता है
वो पैसा वापस की जा पूरा दिया उनको, उसमें से कुछ 2 करोड़ का इनका सेटल हुआ था और फिर 6 करोड़ निकाला गया और 24 करोड़ दिया गया। जिसने कोई किसी ने एप्लीकेशन किया है वो बोल रहा है कि 6 उसमें से निकाला गया। मेरा सवाल क्या है, मुमरा शहर में छोटे से छोटा काम होता है या छोटे से छोटी बात होती है, मुमरा के शहर को पता चलता है, इतनी बड़ी बात कैसे बाहर नहीं आई? न्यूज़ में भी चला, नेशनल न्यूज़ में भी चला, लेकिन वो छोटा क्लिप चला और मुमरा में इसको बंद कराया गया। कल इस पर कार्रवाई भी हुई पुलिसों की और कुछ 10 पुलिस लोग को निकाला भी गया है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, पुलिस ने पैसा पकड़ा, पुलिस ने निकाला और पुलिस ने रिटर्न किया पैसा, कौन है इसके पीछे? कौन है सेटलमेंट माइंड? किसने सेटल करवाई? कौन है वो सेटल कराने वाला? ये शहर का है क्या? और ये बिजनेसमैन कौन है जिसने मुमरा में पैसा रखने को दिया, वो भी 30 करोड़, 30,000, 30 लाख ने 30 करोड़, वो कौन है और इसमें सबके पीछे हाथ किसका है? और ये पैसा पुलिस ने वापस किस बेस पे दिया? बोलते हैं ना आजकल तो काला धन, व्यापारी का हो या गरीब का हो, काला धन होता है। और एक बार पुलिस के अंडर में गया तो वो पैसा वापस, बहुत सारी उसके फॉर्मेलिटी है, बहुत सारी चीज़, पहले तो जवाब देना वो पैसा आया कहाँ से। लेकिन मैंने सुना है कोई व्यापारी का था तो ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ, लेकिन ये गलत है। तो मेरे ये सब क्वेश्चंस हैं कि ये जवाब कौन देगा? और मुमरा में किसी के घर पे जो काम कर रहा था, मुंबई वाले का पैसा है और वो मुमरा में रखने को दिया, अगर ये चीज़ सब लोग पुलिस को पता चल गई, अगर ये चीज़ किसी गलत लोगों को मालूम पड़ती तो उसका जवाबदारी किसके पास होती, उसका जवाबदार कौन होता? अगर वहाँ पर कोई घटना घट जाती तो किसी गलत लोग को इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाता, उस परिवार के साथ हो सकता है आजू बाजू वाले और परिवार भी इसमें आ सकते थे, इसकी जवाबदारी कौन लेता है? तो मुझे ऐसा लगता है मुमरा को बदनाम करने के लिए मुमरा में दिया जाता है। आज बहुत जगह रेट गिरता है, क्यों नहीं मालेगांव में चेकिंग होती है, क्यों नहीं भिवंडी में चेकिंग होती है? आज परसों ही 4 दिन पहले बहुत जगह रेट हुआ, उसमें से मुमरा में भी एक हुआ। मतलब मुमरा को बदनामी में लाने का एक सोच है, ये जानी करके की जाती है, या मुझे तो लगता है, देखो ये मुझे लगता है ये जो स्टोरी है मुंबई का पैसा है, 30 करोड़ का पूरा मामला है, इसमें आपने भी कहीं कुछ पत्रकार किया है कि पूरी तरीके मैं आ रही इसकी जानकारी आपको कब? मैं आ रही, मुझे क्या लगता है, ठीक है ये जो भी पिक्चर बनाया है या सच है या झूठ है, पहली बात तो पैसा देनी नहीं चाहिए था, पुलिस के हाथ में आया है, पुलिस ने दिया है, इस पर कार्रवाई हो और ये जनता को भी पता चले। और ये सच्ची मुंबई वाले का पैसा था क्या? क्वेश्चन ना, सच्ची मुंबई वाले का पैसा था? सच्ची कोई काम करने वाले के पास इतना पैसा करोड़ों रुपया रखने को देता है? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुमरा में क्यों रखने को दिया गया है? और ये सच्ची कोई बाहर का पैसा था कि ये मुमरा वालों का ही पैसा था? 30 करोड़ जमा हुआ है, 1-1.5 साल से जमा हो रहा है, ये भी आप लोग को स्टेटमेंट में मिलेगा कि ये पैसा जमा हुआ है, तो ये मुमरा कर वालों का पैसा तो नहीं था? आप पिक्चर बना रहे हो कि ये मुंबई वाले का था, उसका था, व्यापारी का था, मुझे तो लगता है ये मुमरा वालों का ही पैसा है, ये मुमरा वालों के ही पसीने की कमाई है जो यहाँ से लूट के, हो सकता है इलेक्शन आने वाला था, इलेक्शन आगे चला गया है, हो सकता है इलेक्शन में भी पैसा यूज़ करने के लिए किसी ने भेजा हो गया या किसी ने जमा किया होगा। ये सब चीज़ पे कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात तो जनता को मालूम पड़ना चाहिए। आज इधर मैं ये सब बोलने का मतलब है कि मुमरा शहर वालों को मालूम होना चाहिए, किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि बातें बहुत घुमा के 6 लाख नहीं है, 6 करोड़ नहीं है, ये 30 करोड़ का मामला है और 30 करोड़ ही बोला जाए, क्योंकि ये जो घपला वगैरह हुआ है तो मैंने पुलिस को भी लेटर दिया है, मैंने दिल्ली से लेके अपने कमिश्नर तक के लेटर दिया है और उसमें एक ही मांग है कि ये जो भी हुआ है ये मुमरा के उस फैमिलियों पे ख़तरा था, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और मुमरा के शहर वालों का हक है, 30 करोड़ का क्या हुआ, कौन लाया, क्यों लाया? 1 महीने बाद कुछ पुलिसों को निकाल के नहीं चलेगा, पहली बात। उस दिन रात को क्या हुआ,
उस दिन रात को इनके टावर लोकेशन निकाला जाए, उस पुलिस स्टेशन के हद में कितने कॉल आए और कितने कॉल गए और ये सेटलमेंट करने वाला इंसान कौन था। पुलिस तो मेरे को, मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, वो काम करते हैं, मुमरा में भी बहुत सारी बंदी है उनको काम करने की, तो ये पुलिस को का तो काम है नहीं सेटलमेंट का। किसने किया, कैसे किया, वो पैसा वापस कैसे गया, ये मुमरा के शहर वालों को भी और मुझे भी बिल्कुल मांगी है। मैंने सीबीआई को डाला है, मैंने क्राइम को डाला है, मैंने इनकम टैक्स को डाला है, मैंने अमित शाह जी तक के डाला है, मैंने देश के गृह मंत्री को डाला है, मैंने अपने स्टेट के गृह मंत्री को भी डाला है, मैंने अपने सीपी को भी इसका लेटर दिया हुआ है कि जानकारी होनी चाहिए। ये जान की खतरा थी, 30 करोड़ के साथ साथ वो फैमिलियों को भी जान के खतरा थी। तो आप ये इंक्वायरी क्यों नहीं की, क्यों नहीं पत्र व्यवहार अधिकारियों से किया? देखिए क्या होता है, जब 10 पुलिस कर्मी इसमें निलंबित हुए उसके बाद ही आपको आवाज। देखिए शहर में है ना, रातों रात बहुत कुछ हो जाता है, एक ऑर्डर पे बहुत कुछ नीचे भी आ जाते हैं, तो इसमें क्यों नहीं हुआ? शहर में भी तो लोग बैठे हैं ना, यहाँ पर तो पता है ना, आप लोग को ही पता है, इतना सा कुछ हो जाता तो मीडिया में चल जाता है, बैनर पे आ जाता है। तो हम भी तो देखें ना शहर के लोग क्या कर रहे हैं, जो एक्टिव लोग हैं, जो सभी चीज़ में पहले रहते हैं, सब चीज़ में हम मतलब दोनों चट भी हमारा पट भी हमारा करने वाले, मैं देख रही थी वो लोग क्या कर रहे। लेकिन कल जब मैंने देखा बस पुलिसों पे कार्रवाई हुई और मामला को ये लोग ने दबाने का सोच लिया या दब गया, लेकिन नहीं दब सकता है क्योंकि मुमरा शहर वालों को इसका हिसाब लगेगा। और ये 30 करोड़ आया और गया, आज मेरे को उधर काला धन रखना कितना बड़ा गुनाह है। आज मेरे इधर से अगर किसी और के इधर से आपको 1,00,000 रुपया मिल गया तो आपको नहीं लगता है? पुलिस इंक्वायरी होती है, उस पर केस बनता है, उस पर बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके बाद भी वो इंसान को उसका मेहनत की कमाई दी जा सकती है, बराबर इंक्वायरी के बाद दी जाएंगी। रातों रात उसको पैसा भी दिया गया वापस से, उसमें से 6 करोड़ गुल भी हो गया, कैसे? देखिए ये ब्लैक मनी है, ये हवाला मनी है, ये कायका मनी है, या कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन 30 करोड़ रुपया कैसा छुपा सकता है? 1 रुपया भी वो ब्लैक मनी बोला जाता है। 30 करोड़ कैसा ब्लैक मनी इधर तक आया, इसका चेकिंग नहीं हुआ, आम के वो डब्बे होते हैं उसे पैकिंग में आया, कहाँ से आया, यहाँ तक चेकिंग नहीं हुआ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। मुझे लगता है पुलिस अपने काम में तो पूरा करेगी, लेकिन मुझे लगा कि जनता को भी मालूम होना चाहिए, इसके फुटेज है, बहुत सारी बातें छुपाई गई है, बहुत सारी बातें जनता तक आई नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा फ़र्ज़ लगा मुझे कि जनता तक बात जानी चाहिए, मुमरा शहर में ये बात जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बात बहुत गलत है। आज हम गरीब, जब ब्लैक मनी का नोटबंदी का जब चीज़ हुआ था तो हमारे जैसी बहनों ने हमारे जो घर खर्चे में से रखे ले 10,000 उसको भी ब्लैक मनी बोल के हमने बाहर निकाले थे। तो जब हमारी घरनियों ने जब उतना पैसा भी, वो कॉइन्स भी बाहर निकल गए थे, उसको भी ब्लैक मनी में हमने रखा था 30 करोड़। देखिए सुनने में भी गरीबों के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि 30 करोड़ आया कहाँ से, शहर में आया कहाँ से, शहर में पकड़ा गया, इस पर सेटिंग हुई, सब सेट हुआ, सब कुछ हुआ, वापस दी गई, तो ये बहुत गलत बात है और बहुत गलत चीज़ हुई है मुमरा में। मुमरा को बदनाम करने के लिए लोग काम करते हैं, तो मुझे लगता है मुमरा जैसा शहर नहीं है। मुमरा में ये सब बदनामी के जो काम हो रहे, लोगों को पता होनी चाहिए और ये पैसा कहाँ गया वापस, किस बेस पे गया वापस, ये लोगों को पता चलेगा। तो मुझे लगा कि मैं शहर के लोगों को बोलूं कि चीज़ें हुई है, जो लोग इन्वॉल्व है, जो सेटिंग में भी इन्वॉल्व है, जो पैसा देने में भी इन्वॉल्व है, उस रात को एक्चुअल क्या हुआ था, किसके किसके मोबाइल टावर्स चेक किया जाए, मोबाइल चेक किया जाए, किसका आया किसका गया, और उन पे भी उतनी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं पुलिस लोग को आपने निकाल दिया और जनता को बता दिया और 6 करोड़ का आंकड़ा लाया, ये नहीं चलेगा। उस दिन का ये मेरी और मुमरा की जनता के तरफ से मांग मैं करती हूँ कि ये चीज़ पे कार्रवाई सब पे होना चाहिए और सबके लिए सेम कायदा होना चाहिए।